हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो हम जो एक्सरसाइज 4.5 में पहुंच गए हैं और ये इस चैप्टर का 4 नंबर चैप्टर जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम चारों के चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो आखिरी तक बने रहिएगा और चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द स्क्वेयर आर ई ए डी विथ आर ई 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वेयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्क्वेयर मतलब इसका चारों साइड सेम होता है और जो ये एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तभी उसको स्क्वेयर बोला जाता है। तो एक साइड दिया मतलब उसने चारों साइड का दे दिया है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या है, सिंपली आपका आर ई, जैसे यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे हम आर ई, ठीक है, आर ई यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, इसको मेजरमेंट के हिसाब से लिख दिया 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कंपास से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ एक कट मारेंगे सेम मेजरमेंट में, फिर एक कट मारेंगे, फिर ऊपर हम यहाँ पे कट मारेंगे। सेम हुए आप इधर भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप पहला कट, दूसरा कट, और इन दोनों के कट के ऊपर रख के, यहाँ पे रख के, फिर कंपास में इधर एक आर्क और इधर एक आर्क, तो दोनों कट हो जाएगा। तो फाइनली इस पॉइंट्स को आप ऊपर लिफ्ट करना है जोड़ते हुए। तो ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे 5.1 का मेजरमेंट लेके, कंपास से 5.1 स्केल के साथ मेजरमेंट लेके, फिर आप एक कट मारेंगे इधर और एक इधर। ठीक है, फिर इन दोनों को आप जोड़ देंगे, तो ये आपका चारों साइड हो गया आर ई ए और डी। ठीक है, ये चारों का मेजरमेंट सेम है, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये आपका 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला सॉल्व हो गया, अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या है, ए रम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डायगोनल उनका दिया गया है, एक रम्बस का। रम्बस क्या होता है, इसका चारों साइड सेम होता है बट वो 90 डिग्री नहीं होता है, और उनका जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इक्वल साइज में काटते हैं और सेंटर में 90 डिग्री बना के काटते हैं। तो ये इनका सेम है। ठीक है, रम्बस का ये सेम है। ठीक है, दोनों का जहां पे कट होगा वो दोनों साइड सेम रहेगा मेजरमेंट्स। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक रम्बस आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपने ड्रॉ कर दिया 6.4, सपोज यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे 6.4 ड्रॉ कर दिया। फिर आप यहाँ पे इसको सेंट्रली कट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि 90 डिग्री में होता है, तो जैसे ये आपका 3.2 है और ये भी 3.2 है, और ये जो डायगोनल से दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक सेमी सर्कल करके सेम वे में 90 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर इसको आगे आप बढ़ा देंगे, दोनों तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं, और क्या मेजरमेंट रहेगा इसका, 5.2 दिया है टोटल आपका, 5.2 यानी कि ये 2.6 है। ठीक है, यहाँ पे एक 2.6 का कट लगाएंगे और यहाँ पे एक 2.6 का कट लगाएंगे, तो फाइनली कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं, ये आपका रम्बस बन गया। इस तरह से आपका रम्बस बन गया, और ये जो आपका 2.6 का है, ये दोनों साइड जो है आपका 2.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3.2 करके है क्योंकि टोटल आपका लेंथ दिया है 6.4। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स जिसका दोनों साइड सेम है, ऑपोजिट साइड सेम है और ये ऑपोजिट साइड भी सेम है, और
इसका एंगल्स जो है 90 डिग्री है, ठीक है, ये सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री है, ठीक है, एक रेक्टेंगल। तो अभी आप क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर लाइन लेंगे, ठीक है, फिर आप सेम वे में दोनों में 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी, दोनों कट मारे और यहाँ पे भी फिर आप कट मारेंगे ऊपर, फिर इसको ऊपर खींच लेंगे तो ये लाइन आपका 90 डिग्री में ऊपर जाएगा, ठीक है, मेरा टेढ़ा हो रहा है, आप सीधा खींचिएगा क्योंकि माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री में होगा। फिर आपका ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में दो कट मारिए और इनको जोड़ दीजिए, तो ये आपका फाइनली बन गया रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका चारों 90 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम, OKAY, ओके, पैरेललोग्राम मतलब जिसका जो लाइन से ऑपोजिट लाइन से वो पैरेलल होंगे, ओके, और जो ऑपोजिट एंगल्स है वो सेम होंगे, और ऑब्वियसली वो सेम होना ही है, और एंगल 90 डिग्री और कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ओ के ए वाई, ओके, कितना है, 5.5 है और के ए आपका 4.2 है, ठीक है, बट एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे एंगल आपको नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल आपको नहीं दिया है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, एंगल नहीं दिया है तो आप ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको वो एंगल नहीं पता होगा तो उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, पैरेललोग्राम आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 5.5 डाल दिया, क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन आपने ड्रॉ किया यहाँ पे डाल दिया वो OKAY, ठीक है, अभी आप 4.2 अगर एक आर्क कहीं ड्रॉ करते हैं 4.2 का, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर उसका जो एक पॉइंट होना चाहिए जहां से आपका एक कट हो, आपका नाइदर डायगोनल दिया है, ठीक है, आपको वहां पे OKAY, तो OK दिया है, KA दिया है, डायगोनल्स तो दिया नहीं है, दैट मींस आप यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है, फिर यहाँ पे आप सेम रहेगा तो यहाँ भी आप 4.2 का एक कट लगा देंगे, बट ये कट कहीं भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ आपका यहाँ कट मारेंगे, तो आप यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो यहाँ में कट मारेंगे, तो ये पैरेललोग्राम आपका अजीब सा बनेगा, कहीं भी बन सकता है ये पैरेललोग्राम, सपोज ये कहीं भी बन सकता है, तो इसीलिए इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो जो डाटा दिया है वो सफिशियंट नहीं है पैरेललोग्राम के लिए, उसका एंगल्स देना जरूरी है, कोई भी एक एंगल देने से आप बना सकते हैं, तो इतना डाटा में ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, ठीक है, तो फिर आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे आगे के लिए, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।